एंगेजमेंट रिंग से नजरें नहीं हटा पा रही है ये एक्ट्रेस। तो आखिरकार किसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से चल रही है, चलिए बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। भाई इन दिनों शादियों को लेकर बड़े ही चर्चे चल रहे हैं। हाल ही में नेहा कक्कर ने शादी करी, उसके बाद उससे उनसे पहले नीति टेलर ने शादी की थी। अब यहाँ पर एक शादी की चर्चा जो जोर शोरों से चल रही है वो है बिग बॉस सीजन 14 की सुपर सीनियर गौहर खान की। जी हाँ, गौहर खान और जैद दरबार, कुछ समय पहले ही इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद में इस्माइल दरबार ने भी इस बात पर बात करी थी कि भाई गौहर खान बिग बॉस के घर में जाने से पहले हमारे घर पर आई थी, हमसे मिली थी, 4 घंटे हमारे साथ बिताए थे, इनफैक्ट हमारे साथ में बिरयानी डिनर भी किया था। उन्होंने कहा कि अच्छी दिल की है, नहीं तो 4 मिनट भी नहीं ठहर पाती। चलिए, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से रजामंदी मिल गई थी। उसके बाद में तस्वीरें धीरे धीरे शेयर होने लग गई और फिर कभी आवेश का वीडियो आने लगा सोशल मीडिया पर, और फिर उसके बाद में खुद उनकी मदर इन लॉ ने भी किया, फरजाना ने भी किया था। देन धीरे 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 करते जो है परिवार के साथ में तस्वीरें जो है वो सामने आने लग गई। फिर शादी की चर्चाएं, अब आपको बता दूं कि गौहर खान ने कुछ समय पहले एक फोटो शेयर करते हुए सिर्फ रिंग का फोटो भेजा हुआ, मतलब इमोजी यूज किया हुआ था और एंगेजमेंट का सिर्फ ऐसे साइन दिया था। अब पहली बार गौहर खान ने अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करी है, जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दूं आपको कि इस फोटो पर उन्होंने अपने कैप्शन भी दिया है कि मैं इससे नजर नहीं हटा पा रही हूँ, पूरे दिन मैं इसे ही देखती रहती हूँ, यानी कि अपनी डायमंड रिंग को। बता दूं उनकी डायमंड रिंग काफी ज्यादा खूबसूरत है और उनके फैंस और साथ में उनके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स ये दोनों ही उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं उनकी एंगेजमेंट को लेकर, और इस बात पर कुछ जैद दरबार भी रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं। बता दूं आपको इनकी शादी की प्लानिंग दिसंबर में हो रही है। शादी की डेट जो है क्योंकि अभी ऑफिशियल तरीके से अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जितनी खबरें हैं उसके हिसाब से 20 से लेकर 25 के बीच में कोई भी डेट सामने आ सकती है, क्योंकि अलग अलग डेट जो है वो बताई जा रही है। कोई 24 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है, कोई 22 बता रहा है, अलग अलग डेट्स जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में तैयार हो जाइए एक और शादी के लिए। इंडस्ट्री की तरफ से गौहर खान और जैद दरबार की शादी को लेकर हर कोई एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसी लगी गौहर की ये रिंग? वेल, कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।